मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, मतलब दूसरा सर्ग देखने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था जो युधिष्ठिर है किस तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, तो इस दूसरे भाग में भी हम कुछ जो भीष्म पितामह जो है और युधिष्ठिर का जो वार्तालाप होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और यह क्लास हमारे एक मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज करते हैं कि मैम कुरुक्षेत्र का क्लास लाइए, तो मैं उन्हीं को समर्पित कर रही हूँ यह वीडियो। देखिए, यहाँ पे आप ये मूल्यांकन मत करिएगा कि मैम ने इस तरीके से बताया है, इस तरीके से बताया है। मैं आप लोगों को ये जो है शब्द हैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसके बारे में जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में ये पूरी क्लास हो जाएगी, उसके बाद में मैं आप लोगों का प्रश्न जो है किस तरीके से बन सकते हैं वो मैं सर्च करके कहीं से खोज करके जैसे भी मैं आपको एक क्लास में उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको जो इसकी कविता, इसकी पंक्तियाँ हैं वो मैं आप लोगों को जो है उपलब्ध करा रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है जो कमेंट करते हैं ना, कुछ भी बोलने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ से हम इस शुरुआत करते हैं। हमारा पहला भाग है दूसरे सर का, आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का अभी है इस जानकर। योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर, क्योंकि भीष्म पितामह को जो है इच्छा मृत्यु ने प्राप्त था उसका वरदान कि वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इसीलिए ये यहाँ पर कहा है कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, वाणों का शयन वाण का ही उपोधान कर। जो है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच जो चर्चा हुई है, जो वार्तालाप हुआ है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है उसके मध्य जो क्षेत्र था उसे कहा गया है कुरुक्षेत्र, ठीक है। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। कौन? भीष्म पितामह, व्यास कहते हैं। व्यास जी ने जो लिखा है महाभारत में, महाभारत से ही ये कुरुक्षेत्र का भाग लिया गया है। और पंथ जोहती बिनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शस्ति मान कर। जो मृत्यु है वो हाथ जोड़कर भीष्म पितामह के सामने खड़ी रही, क्योंकि भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति थे महाभारत में जो अपनी इच्छा की, दृढ़ इच्छा उनकी थी, जो हमें सिखाती है हमारे कार्य के लिए कि हम कितना, हमें किस तरीके से अपनी इच्छा को दृढ़ इच्छा बनाना चाहिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं। संग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योग लीन लेते थे पितामह गंभीर से। देखा धर्म राज ने विभा प्रसन्न फैल रही, सैत सिरो रूह सर ग्रथित शरीर से। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से विभा जो है उजाला फैल रहा है उनके शरीर से भीष्म पितामह के। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। जो है धर्मराज जो है चीख रहे हैं कि हे पितामह, ये जो महाभारत हुआ है वो विफल ही रहा है। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। जो युधिष्ठिर है दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो दुर्योधन नहीं है, वो सुयोधन है, और जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। छोड़ मेरे हाथ में शरीर ने जो प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुवी सवार वार। जो भीष्म, जो युधिष्ठिर है वो कह रहे हैं पितामह से कि हे पितामह, सुयोधन जो है दुर्योधन वो अपने प्राणों को त्याग कर आकाश में अपनी विजय की दुंदुवी बजा रहा है बार बार, जो जिसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष,
चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार के। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह, हार किसकी हुई है यहाँ। ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है। लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन, और बैठ मानव की रक्त सरिता की तीर। नियति के व्यंग भरे अर्थ सुनता है कौन, कौन देखता है सब दाह बंधु बांधवों का। उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। दृष्टि कह रहा है ये तो सब मुझे देखने को जो है मैं देख रहा हूँ, विजयी भले ही मैं कहा गया हूँ लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैं देख रहा हूँ, इसलिए सबसे बड़ा तो पापी मैं ही हूँ। और जो दुर्योधन है वो अपनी विजय को प्राप्त करके चला गया है। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ में मनोबल से लड़ता। युधिष्ठिर कह रहे हैं अगर मैं ये जानता ऐसा परिणाम होगा तो मैं मनोबल से लड़ता ना कि ये युद्ध करता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से, जो मेरी तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्त पात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। जो युधिष्ठिर हैं वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करता भले मैं अपने भाइयों के साथ में कहीं जो है भीख मांगता कहीं भी रहता जाकर, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करता अगर मुझे इस युद्ध का यह परिणाम पता होता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मध्य मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने अपनी कृपान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणवीच, बुझती सिखा में दिया घृत भगवान ने। दृष्टि करें कि जब अर्जुन का मोह जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, जो मोह बढ़ रहा था अपने परिवार की तरफ, उस समय बुझती हुई जो आग थी उसमें भगवान ने जो है घी का कार्य किया है, उन्होंने ही ये ज्वाला भड़काई है युद्ध के लिए कृष्ण भगवान ने। शव की सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनिष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है किंतु मेरे, प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, द्रह्यमान इस पूरा चीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या कर, बात क्या गिराए गए जहां छल छंद से, वर्ण वीर आप से। अभिमन्यु वध सुयोधन का वध है, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक और सत्यमयी गीता भगवान की है, एक और जीवन की वीरति प्रबद्ध है। जनता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लौसन जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। मित्रों मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरा जो स्वर है थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन यह जो है ओज के कवि के द्वारा ओज के शब्दों में कविता लिखी गई है, तो इसके शब्द जो हैं बहुत ही ओजवान हैं। ध्वंसजन्य सुख या कि सश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरु क्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूट बना युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरु वंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थ वारी हलाहल है। और युधिष्ठिर किस तरीके से देखिए जो है अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि जो अभिषेक होगा मेरा विजय का वह इस पाप को नहीं धो सकता है। जिस तरीके से पापी जो होते हैं वो कितना भी कहीं स्नान करें उनका जो है पाप नहीं धुलता है, जिस तरीके से शराब शराब ही रहती है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है।
ग्रहण करूं मैं कैसे, बार बार सोचता हूँ राज सुख लोह हरी कीच का कमल है। बालहीन माता की पुकार कभी आती और आता कभी अंत नांद, फित्रहीन बालका आंख पड़ती है जहाँ हाय वही देखता हूँ, सिंदूर पूछा हुआ सुहागिन के भाल का। बाहर से भाग कच्छ में जो छुपता हूँ कभी, तभी सुनता हूँ अट हास्य क्रूर काल का। ये युधिष्ठिर ही सारे शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से पूछा भी जाए तो युधिष्ठिर जो है अपनी पीड़ा भीष्म पितामह को सुना रहे हैं। और सोते जागते में चौंक उठता हूँ मानो, सोरित पुकारता हो अर्जुन के लाल को। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पिता माँ किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है जिस लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूँ अपने पै कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती मन, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। जो युधिष्ठिर है कह रहे हैं कि मैं अब किसी मानव से आंख नहीं मिला पाता हूँ, मन कह रहा है कि किसी वन में अकेला भाग जाऊं और छुप जाऊं जाकर, जहाँ थोड़ी शांति तो मिलेगी। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अत एव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहाँ, छिपी किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। मैं किसी ऐसी खो में जाकर छुप जाता हूँ जहाँ खूब मन खोल कर मैं जो है रो लूँ, अपने अश्रुओं को बहा लूँ, जहाँ मुझे कोई पशु पक्षी भी ना देख पाए। युधिष्ठिर ऐसा कह रहे हैं। जानता हूँ पाप ना धुलेगा वनवास से भी, छिप तो रहूँगा दुख कुछ तो भुलाऊँगा। बंग से विधेगा वहाँ जर जर हृदय तो नहीं, बन में कहीं तो धर्म राज ना कहाऊँगा। कह रहे हैं कि ऐसी विजय में जो मैंने विजय प्राप्त की है, जो लोग मुझे धर्मराज कहेंगे वो तो कम से कम वहाँ कोई नहीं कहेगा, जिससे और पीड़ा होती है मुझे। और तब चुप हो रहे कौंतेय, कौंतेय कौन, और तब चुप हो रहे कौंतेय, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परि में। उस जलद सायक पारावार, उस जलद सायक पारावार, हो भरा जिसमें लवालव किंतु जो लाचार। बरसा तो सकता नहीं रहता मगर वह चैन, एक ऐसा जो तालाब, जो ऐसा बादल जो बरस भी नहीं रहा है और बेचैन घूम रहा है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले हाय नर की भाग, क्या कभी तू भी तिमर के पार। उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग, एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है। आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से, ये जो है युधिष्ठिर कह रहे हैं, ठीक है। और युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नांद वह करता हुआ। काल साबन में ध्रुवों को तोड़ता झकझोरता, और मूल छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्रों पादवों को जो की छेड़ाधार हैं, रुग्ण शाखाएं ध्रुवों की हर हरा कर टूटती। टूट गिरते गिरते सब सावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाति बनाने के निहित तरु गुल्म से। छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से, पर सिराए जिस महीरु की अतल में है गड़ी। वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से, शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला। नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे। वन विभव के छय बनाने के करुण वैधव्य को, देखता जीवित महीर शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्द मौन आकाश में, सोचता है सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों, पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को।
प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के, या प्रबंधन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाग से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। तो प्रकृति जो तूफान आता है वो भले ही कितना भी झंझावात करे, कितना भी जो हमारा विनाश हो, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो विकास ही करती हैं। यूं ही नरों में भी विकारों की सिकाए आग सी, एक से मिल एक जलती है प्रचंडा वेग से, तप्त होता छुत्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी, क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती है तभी, युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता राजनैतिक उलझनों के व्याज से। युद्ध कब होते हैं? जब इतने सारे जो द्वेष भाव होते हैं उनके बाद में जो जिस तरीके से भट्टियां धधकती रहती हैं उसी तरीके से ये युद्ध रूपी ज्वालामुखी फूटता है उसी से, राजनीति से। निष्ठ है किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थमय द्वेष से, युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए। भीष्म ने भी कह दिया कि अंततः यह युद्ध पूरा किसके लिए हुआ है, यह पांच सुख के लिए हुआ है, पांच के सुख के लिए ही अंततः यह युद्ध हुआ है, और सभी युद्ध का परिणाम जानते हैं, लेकिन अहम बस जान नहीं पाते हैं, उसको व्यक्त नहीं करना चाहते हैं और उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और यही इसी अभिमान और इसी इच्छा को लेकर यह युद्ध भी हुआ है, यह भीष्म कहते हैं। तो जो हमारा भाग दो है और जो दूसरा सर्ग है इसका, उसमें युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप को इसमें व्यक्त किया गया है। तो मित्रों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने इस पार्ट को देखा है। आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के लिए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है इन पार्टों को हम पढ़ने के बाद इसके हम प्रश्न आपको 100 प्रश्न वन लाइनर जो है उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, वन लाइनर दे देंगे जिससे आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। ओके, तो ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हमारी क्लास इसी तरीके की होती है और मैं हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ सुधार सहित दिया जाए, ठीक है। तो सुधार के लिए आप लोग हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जो है हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि क्या अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।